देश के 10 राज्यों के 256 जिले सूखे की चपेट में हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बताया कि करीब 33 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं। सूखा प्रभावित राज्यों में गुजरात के आंकड़े नहीं देने पर कोर्ट ने केंद्र को फटकार भी लगाई। वहीं सूखे को लेकर हमारे नेताओं की बेरुखी बरकरार है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के सूखे प्रभावित इलाके के दौरे के दरमियान सड़क पर छिड़काव के नाम पर सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद कर दिया गया। ये शर्मनाक नहीं तो और क्या है? ये पानी के लिए तरसते लोगों का अपमान नहीं तो और क्या है? ये बूंद बूंद पानी के लिए भटकते बच्चों के साथ मजाक नहीं तो और क्या है? ये देश के सियासतदानों की आंख का पानी मर जाना नहीं तो और क्या है? प्यासे देश में नेताओं के दौरों के नाम पर हजारों लीटर पानी की ये बर्बादी सिर्फ और सिर्फ शर्मनाक है। सूखे और सियासतदानों की बेरुखी की बात तफसील से बाद में करेंगे, लेकिन पहले बात सूखे पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख की। सुप्रीम कोर्ट में सूखे को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि देश के 10 राज्यों के करीब 256 जिले सूखे की चपेट में हैं। 256 जिलों में करीब 33 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सूखा प्रभावित इलाकों में मनरेगा के तहत अब तक 19,555 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सूखा प्रभावित राज्यों के आंकड़ों में गुजरात के आंकड़े शामिल नहीं करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। देश की बड़ी आबादी सूखे की मार झेल रही है। सुप्रीम कोर्ट सूखे से निपटने पर लापरवाही को लेकर सरकारों को कड़ी फटकार भी लगा चुका है। बावजूद इसके सूखे को लेकर हमारे नेताओं का रवैया शर्मनाक है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया सूखा प्रभावित बगालकोट इलाके में जायजा लेने पहुंचे। सीएम साहब और उनके काफिले को परेशानी ना हो, धूल ना उड़े, इसके लिए सड़क पर छिड़काव के नाम पर सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद किया गया। महाराष्ट्र सूखे की भयानक मार झेल रहा है, लेकिन राज्य की मंत्री पंकजा मुंडे सूखा प्रभावित इलाके का दौरा करने जाती हैं, सेल्फी के शौक को पूरा करने में देरी नहीं करती। महाराष्ट्र के ही बड़े मंत्री एकनाथ खड़से का हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड बनाया गया, जिस पर करीब 10,000 लीटर पानी बर्बाद कर दिया गया। यकीन मानिए, ये तस्वीरें तकलीफ देने वाली हैं। देश का बड़ा हिस्सा प्यासा है, सूखी धरती की तड़प को महसूस करने की जरूरत है। प्यासे लोगों को पानी चाहिए, इसे बर्बाद मत होने दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो देखा आपने, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के लिए हुए पानी की बर्बादी पर बीजेपी नेता अब बीएस येदुरप्पा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक बीजेपी के नए अध्यक्ष येदुरप्पा खुद कुछ दिन पहले सूखे प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए 1 करोड़ की गाड़ी से निकलने वाले थे, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो येदुरप्पा ने एसयूवी लौटा दी थी। We are suffering a drought situation and water scarcity. There is no water for even cows and animals. Such a situation, if Chief Minister himself, for his own purpose, if you do like this, people will mock her. और प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने के नियमों में फिर बदल वाला आदेश केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। श्रम मंत्रालय ने 10 फरवरी 2016 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। श्रम मंत्री बंगदारू दत्तात्रेय ने जानकारी देते हुए यह कहा कि मजदूरों की मांग को देखते हुए सरकार ने अपना आदेश वापस लिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों श्रम मंत्रालय ने पीएफ निकालने पर नए नियम लगाने का ऐलान किया था। इसमें 58 साल से पहले पूरी रकम निकालने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन जोरदार विरोध के बाद सरकार ने नए नियमों को लागू करने वाले नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया है। हमारा जो 10 फरवरी 2016 को जो नोटिफिकेशन दिया गया था, जिससे मजदूर जो है उसके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट के बाद ही ले सकता था, लेकिन अभी ये नोटिफिकेशन मैंने रद्द कर दिया। इससे अभी पुरानी पद्धति चलती है और मैं इस निर्णय को आज प्रकट किया और आगे तुरंत जो है मैं सीबीटी मीटिंग बुला लूंगा। आपको बताएं, करीब 6 करोड़ लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं, यानी ईपीएफओ के पास 6,00,000 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा है। 2015-16 के लिए प्रोविडेंट फंड पर 8.8% ब्याज दिया गया।
सरकार ने भले ही पीएफ पर आदेश वापस ले लिया हो, लेकिन इससे पहले आज कर्मचारियों ने बेंगलुरु में जमकर हंगामा किया। आज पीएफ निकालने के नए नियम के खिलाफ सड़क पर उतरे मजदूरों की भीड़ हिंसक हो गई। प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। हंगामा कर रहे कर्मचारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। इस झड़प के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों की लाठी से पिटाई भी की। सरकार ने पिछले दिनों पीएफ निकालने की नीति में बदलाव कर दिया था। अब कर्मचारी 58 साल की उम्र से पहले पीएफ में से सिर्फ अपना हिस्सा निकाल सकते थे। कर्मचारी इसी फैसले का विरोध करने सड़क पर उतरे थे, जिस नोटिफिकेशन को अब सरकार ने रद्द कर दिया है। और हंगामा इलाहाबाद में भी हुआ। इलाहाबाद में सेना भर्ती के लिए पहुंचे छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। नाराज छात्रों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की, कई वाहनों को निशाना बनाया। पुलिस और सेना के जवानों ने हंगामा कर रहे छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई। सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को पीटा गया। दरअसल 111 पैदल वाहिनी कुमाऊं की भर्ती चल रही थी, जिसमें देश के 7 राज्यों से 2,00,000 से ज्यादा छात्र हिस्सा लेने के लिए इलाहाबाद पहुंचे थे। छात्रों की भारी भीड़ के चलते गाड़ियां मिलने में दिक्कत हुई, जिसके बाद छात्रों ने जगह जगह निजी वाहनों को निशाना बनाया, पथराव किया और तोड़फोड़ की। और इधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में NH-86 पर आज खुलेआम डीजल की लूट मची। दरअसल हाईवे पर डीजल से भरा एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया। टैंकर के पलटने के बाद डीजल सड़क पर बहने लगा और उसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें आप देखिए। जैसे ही हादसे की खबर आसपास के लोगों को लगी, लोग बाल्टी और बोतल लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। बच्चे, जवान, महिलाओं और बुजुर्ग, जिसके हाथ जो लगा वही सामान लेकर सड़क पर बहते डीजल को भरने में वो जुट गया। सड़क पर बह रहे डीजल की खुली छूट यहाँ शुरू हो गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक यहाँ अच्छी खासी भीड़ जुट चुकी थी। पुलिस ने डीजल लूट रहे लोगों को हटने के लिए कहा, लेकिन कोई माना नहीं। किसी ने पुलिस की नहीं सुनी। आग की छोटी सी चिंगारी से यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस के समझाने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने यहाँ लाठी चलाई। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी मौके पर बुलाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी की बौछार की गई और तब जाकर लोग टैंकर के आसपास से हटे। बाद में क्रेन की मदद से पुलिस ने टैंकर को सीधा खड़ा किया। मुझे सूचना ये प्राप्त हुई, लक्ष्मी तराय पर एक डीजल का टैंकर पलट गया है। उसकी सूचना मेरी फायर सर्विस गाड़ी आ गई मौके पर, उसने आग को बुझाई। नहीं, आग नहीं लगी है, थोड़ा ठंडा किया टैंकर को, ठंडा किया जैसे कि आग लग न जाए किसी चिंगारी के द्वारा, इसलिए मैंने उसको पानी डलवा दिया है उसमें। और ऐसी कोई घटना नहीं होने वाली है, तभी प्रशासन लगा हुआ है। और चलिए अब आपको सिंहस्थ कुंभ के रंग दिखाते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ में अखाड़ों की पेशवाई का दौर जारी है। आज निर्मल और अटल अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। शाही अंदाज में साधु संत घोड़ों और हाथियों पर सवार होकर निकले। अटल अखाड़ा कुछ सबसे पुराने अखाड़ों में से एक है और इस अखाड़े की इष्ट देव हैं भगवान गणेश। Thank you.